अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे आपके। आज हम अब बैचिंग प्लांट की मिक्सर का रिव्यू करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह कंट्रोल पैनल का रिव्यू करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा बैचिंग प्लांट ऑपरेट कैसे होता है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बैचिंग प्लांट की मिक्सर का रिव्यू देते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो मेरे भाइयों, ये हमारी मिक्सर आप देख सकते हैं, सानी की मिक्सर है ये। इसकी नेम प्लेट लगी हुई है, इस पर प्रोडक्ट टाइप, पावर, कैपेसिटी, डेट प्रोडक्शन, रोटेशन पर मिनट, कितने केजी इस मिक्सर का वेट है, ये नेम प्लेट आप देख सकते हैं। इसके साथ ये मिक्सर का ऊपर गेट है, इसको ओपन करके हम अंदर देख सकते हैं कि कंक्रीट मिक्स हो रही है। ट्विन शॉफ्ट मिक्सर, इसकी दो शॉफ्ट्स हैं और ये आप देख सकते हैं इमरजेंसी स्विच लगा हुआ। इमरजेंसी स्विच के साथ ये हमारी दो हब्स हैं, इसके अंदर शॉफ्ट्स हैं। शॉफ्ट, एक शॉफ्ट के साथ 8 ब्लेड लगे हुए हैं, 16 ब्लेड्स के साथ ये मिक्सर मिक्सिंग बेहतरीन इसकी मिक्सिंग है। ये आप देख सकते हैं ग्रीस पंप मौजूद है। मजे की बात यह है कि 3 क्यूबिक मीटर की मिक्सर के साथ जो इसका मेन गेट है वो हाइड्रोलिक है, ये इसका हाइड्रोलिक पंप है और इसके साथ नीचे इसका गेट मौजूद है। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक पंप मौजूद है, ये इसका मिक्सर का गेट मौजूद है। इसके साथ 3 सेंसर लगे हुए हैं, ये तीनों सेंसर ओपन, पार्शल और क्लोज का इंडिकेशन आगे देते हैं। इसके साथ ये मिक्सर का दूसरा गेट मौजूद है और इसके साथ ये सेंसर कनेक्ट है। अगर रनिंग के दौरान आप इसका गेट ओपन करते हैं तो ये मिक्सर फिर दोबारा रन नहीं होती और चलते चलते स्टॉप हो जाती है। ये इमरजेंसी प्रिकॉशंस हैं ताकि कोई बंदा मिसहैप ना हो। ये दूसरी तरफ भी इमरजेंसी लगी हुई है। ये मिक्सर के शॉफ्ट को के साथ गियर अटैच हैं, आप देख सकते हैं ये दो गियर अटैच हैं। इसके साथ दो मोटरें लगी हुई और ये 55-55 किलोवाट की एक मोटर लगी है, 10 बेल्ट लगे हुए हैं इसके साथ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी मिक्सर बनाई है सानी वालों ने, सेफ्टी के लिहाज से और वर्किंग के लिहाज से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसके साथ ये आप ऊपर देख सकते हैं ब्लू कलर का स्विच लगा होगा, ये बेसिकली एयर कंट्रोल सेंसर है। अगर प्रेशर जितना आपने एडजस्ट किया हुआ है वो पूरा नहीं होता तो हमारा ये स्टोरेज का गेट ओपन रहता है, ये क्लोज नहीं होता। यानी आप अगर प्रेशर कंप्लीट नहीं है तो आपकी मिक्सर और कोई चीज़ भी स्टार्ट नहीं होती। ये इसके साथ आप मोटर देख रहे हैं, ये मोटर बेसिकली हमारे वाटर टैंक की है, जो हमारा वाटर टैंक स्केल होता है जिसमें पानी हमारा स्केल होता है और इसके बाद इस मोटर के जरिए मिक्सर में ड्रॉप होता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बैचिंग प्लांट का मुकम्मल रिव्यू आपको देंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। हमारे साथ रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।